तुम अगर डब्बू की भलाई चाहते हो तो उसके सामने कभी मत आओ, भूल जाओ उसे, हट जाओ उसकी जिंदगी से। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जिया प्लीज रो मत जिया। दादी, दादी, दादी। जिया बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? दादी, क्या हुआ? दादी पता है, अब्बू का एक्सीडेंट हो गया दादी। क्या? अब्बू का एक्सीडेंट? हमारे बीच जो कोई भी रिश्ता था वो अभी इसी वक्त खत्म होता है जिया। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अब जाओ यहाँ से। प्लीज, ये आंसू दिखा दिखा कर तुमने हमेशा मेरे इमोशन साथ खेला है, लेकिन अब नहीं। अप्पू, अप्पू तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं जिया, जो समझना था समझ लिया, जो कहना था कह दिया, अब तुम कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होगा। अब्बू मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। जिया, जस्ट गो। लेकिन अब्बू मेरी बात तो सुनो। जिया, आई सेड गो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी अब्बू। झूठ जिया, झूठ, सब झूठ है। जाओ अपने उस गौरव के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, रहो उसके साथ। लुक जिया, तुम्हारा ये झूठा प्यार का नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। So I suggest you go. अप्पू मेरा यकीन करो प्लीज। अप्पू Just don't touch me. Stand. अप्पू सुनो, अप्पू सुनो तुझे। अप्पू, 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 अप्पू मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपने से दूर मत करो अप्पू, मुझे दूर मत करो। जिया, जिया क्या हुआ? जिया, what happened? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिया, जिया जो होता है अच्छे के लिए होता है, ट्रस्ट मी। अगर अपू ने तुम्हें छोड़ा है तो ये उसका लॉस है। जिया हो सकता है वो तुम्हारे लायक ही ना हो। गौरव वो जैसा भी हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। करो कुछ करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ चुका हूँ। पर मैं अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकती, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अब वो
मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम अभी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। मुझसे क्या गलती हुई थी गौरव? यह सवाल गलत या सही का नहीं है जिया, कभी कभी हालात जज्बातों में भारी पड़ जाते हैं। You can't help it. आज हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन अब कभी न कभी तो मेरे पास वापस आएगा ना। हाँ जिया, काश इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे पाता। I'm sorry. जिया, जिया दर्द को आंसू के जरिए बह जाने दो। रो जिया, रो, जितना रोना है रो लो। जो हुआ सबको भूल जाओ और जिंदगी के एक नए रास्ते पे निकल पड़ो जहां सिर्फ खुशियां हो। मेरी किस्मत में खुशियां नहीं है, सिर्फ आंसू है। बचपन से सिर्फ आंसू ही लिखे हैं मेरी किस्मत में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं जिया, और मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपू को भूलना होगा। मैंने इसीलिए उस लड़की को मना किया था, फिर भी वो Are you okay, son? अप्पू? I'm fine, Dad. You know, बेटा, आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। बार बार खुद से सवाल करता हूं कि आखिर में मैं एक आइडियल फादर क्यों नहीं बन पाया। आपने सोचा? यही मेरे लिए बहुत है डैड। I really love you, Dad. I love you too, son. You know, beta, मैंने जिंदगी में न जाने कितने रोल किए, लेकिन असल जिंदगी में जो रोल ठीक से निभाना था वो मैं नहीं निभा पाया। बेटा, मैं बीते हुए दिनों की कमी पूरा करना चाहता हूं। आज पता चला कि अपने अपने होते हैं। यू नो अप्पू, जिस पेन से तुम गुजर रहे हो वो परमानेंट नहीं है। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। जिंदगी शुरू करें, खुशियों से भरी जिंदगी।
मुझे छोड़कर कभी मत जाना। Never अपू, never। सुनो बेटा, जो प्यार इंसान को कमजोर कर दे वो प्यार नहीं है। पता नहीं जिया कहाँ है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। गौरव ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग। पीजी आप क्यों फिक्र करती हैं? जिया बहुत सेफ हाथों में है, गौरव बड़ा समझदार लड़का है। गौरव के साथ है ना, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही है। पप्पू के साथ होती तो कोई फिक्र नहीं होती मुझे। जिया, अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? सब ठीक तो है ना? अप्पू से मिली, अप्पू ठीक है ना बेटा? अप्पू, क्या हुआ अप्पू? जिया अप्पू का काम हो गया ना? तुम गौरव को इसलिए यहां लाई मुझे जलाने के लिए? तुमने मुझे धोखा दिया जिया। हमारे बीच जो कोई भी रिश्ता था वो अभी इसी वक्त खत्म होता है जिया। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। बेटा बहुत रो, अब सो जा, मेरा विश्वास कर बेटा, इस परेशानी से नींद ही तुझे सुकून दी। मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा दादी, मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। ऐसा ही है दादी, इसलिए पापा माँ अब अप्पू भी सब मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, रब पर भरोसा रख, रब है ना अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेते हैं, तो देखना एक दिन सब लौट आएंगे। मेरी तरफ देखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, बहू छोड़ गई, पर मुझे भरोसा है एक दिन वो अपनी गलती मानेंगे और वापस आएंगे मेरे पास। रोते नहीं है, चलो उठो उठो, सो जा बेटा। ना नहीं रोते, सो जा। बिल्कुल नहीं रोते, thank you।
बॉबी पाशा फिल्म बनाएगा तो हिट होने वाली है क्या? रोहन बाबू कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। चलो अच्छा हुआ आगे, अब बैठ के आराम से गपशप करेंगे। हैं तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑलराइट कुछ भी। देखो रोहन बाबू, जिंदगी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से बदल दो। देखिए आप क्या चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप फिल्म को आर्ट समझते हैं, बिजनेस नहीं। ये रैड जो है ना, इसकी किस्मत इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम तो इस फिल्म को बंद कराने पर तुले हुए हो। देखो ये तो बॉबी पाशा आ गया इसलिए ये फिल्म बन रही है। पंजाब के फिल्म मेकर हो ना, पंजाब में जाके अपनी पिक्चर बनाओ। ओके रोहन, रोहन लिसन टू मी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी किरण। रोहन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ये सब एक बड़े मकसद के लिए कर रही हूँ। तुम सिर्फ मेरे करियर और मेरे ड्रीम का मर्डर कर रही हो किरण। नहीं रोहन, मैं ये सब रैड को और तुम्हारी फिल्म को बचाने के लिए कर रही हूँ। वाह, बॉबी पाशा के साथ हाँ में हाँ मिलाकर उसकी फ्लैटरर बनकर। रोहन हवा के रुख को पहचानो। रोहन आज अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो है ये बॉबी पाशा। फाइनेंसर्स उससे खुश हैं, अगर वो खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। तुम्हें जो करना है करो किरण, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। महेश, ओ यार महेश, बधाई हो बधाई हो, अब हम दोस्त हैं, रिश्तेदार बन गए हैं। रिश्तेदार? हाँ भाभी जी, वो क्या है ना, आज बड़ा खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर महेश अपने घर लौटेगा। मतलब अप्पू का किस्सा खत्म? हाँ यार एकदम खत्म। किस्सा खत्म मतलब? ओ क्या है ना पवी जी, अपनी जिया है ना, जिया की कुंडली में शनि जो है बैठा हुआ था, वो हमेशा के लिए दौड़ गया है। क्यों महेश? हाँ हाँ बल्लू, तूने अपना वादा निभाया है, अब मुझे भी अपना वादा निभाना होगा। वादा? कैसा वादा? भाभी जी, जिया और गौरव की शादी का वादा। हाँ अब डब्बू की शादी गौरव से होगी और इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता है। सुनिए, लेकिन डब्बू की शादी गौरव से कैसे? क्यों, क्या कमी है गौरव में? अरे दिखने में अच्छा है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो क्या चाहिए? मेरा मतलब एक बार डब्बू से पूछ लेते तो। भाभी जी कमाल कर रही हैं, उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो तो गौरव को वैसे ही पसंद करती है। जब से गौरव लंदन से आया है उसके पीछे पीछे लगी रहती है। महेश चल यार घर चलते हैं, इसका जश्न वहीं मनाएंगे। बल्लू मैं तेरा धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ, तूने हमारे बिखरे घर को जोड़ दिया। और यार कमाल है, अब तेरा घर भी तो मेरा ही घर है ना। बधाई हो यार बधाई हो, ये ले तू लड्डू खा यार। सारी रात सोई नहीं? ये आंसू भी बहुत बुरी चीज है ना, जब शुरू होते तो कभी रुकते ही नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अप्पू मुझसे दूर चला गया है।
जिया जिया, जिससे हम प्यार करते हैं हम उसको अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, अग्रीड। लेकिन गुस्सा करना और बेइज्जती करना ये दो अलग चीज है। अगर अपू के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा भी प्यार होता तो वो तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकालता। जिया तुम भी उसे उसी तरह अपने दिल से निकाल दो। जिया मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपू के बिना तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिया तुम्हें अपू से ज्यादा प्यार करने वाला मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम स्पेशल हो। मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे इतनी ऊंचाई पर मत बिठाओ। मैं डब्बू हूँ और जिंदगी भर डब्बू ही रहूंगी। जिया तुम डब्बू नहीं हो, तुम स्पेशल हो, तुम बहुत स्पेशल हो जिया। और ये मैं नहीं, ये मेरा दिल कह रहा है। जिया न जाने कितने दिनों से मैं तुम्हें ये बात कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा। यही डर था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन आज तुम जो भी कहो मैं अपनी दिल की बात जरूर कहूंगा। जिया सच्चाई ये है कि मैं कभी इंडिया आना ही नहीं चाहता था। जब भी डैड मुझे बोलते कि इंडिया चलो, मुझे लगता कि इंडिया में है क्या। बस डैड का दिल बहलाने के लिए इस वक्त मैं उनके साथ चले आया। लेकिन जिया इस वक्त जब मैं इंडिया आया, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, तुम्हें समझा, अब वापस लंदन जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें देखूं और बस तुम्हें ही देखता रहूं, जितना हो सके उतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। जी, आई नो दिस साउंड्स वेरी क्लीशे बट इट्स ट्रू। जिया देखो गौरव, नहीं नहीं जिया, प्लीज प्लीज मुझे रोको मत, आज मुझे मत रोको। अगर आज अपू ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया होता तो शायद ये मैं कभी कह नहीं पाता। अगर तुम्हें मेरे दिल से निकली बात हर्ट करे तो आई एम सॉरी। तुम मुझे अभी बोलो, मैं अभी लंदन चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार जिया, एक बार मेरी दिल की बात सुन लो। जिया जिया, अगर मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा गुस्सा, अगर मुझे तुम्हारी सारी बात पसंद है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जिया? How can I be blamed for the feelings I have for you? Jiya, जब तक अपू तुम्हारी जिंदगी में था मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी feelings, अपने emotions, अपने दिल की बात दिल में ही रखी, तुम्हें disturb नहीं किया। लेकिन आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। हाँ जिया, लाइफ पार्टनर की जो तस्वीर मैंने अपने दिल में बना रखी थी वो तुम हो, वो तुम हो।
ट्रस्ट मी अपूर्व, ये इमोशंस, ये प्यार, सबके पीछे भाग के अपना टाइम वेस्ट मत करो. एंड यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी. हैप्पी? आपको हैप्पी का मतलब मालूम है डैड? अपूर्वा, बच्चों जैसी बातें मत करो. आज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें. जिस प्यार को आप टाइम बर्बाद करना कह रहे हैं, उस प्यार का एक पल मेरे लिए नाम, पैसे और शोहरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है.